रोसेटा एलाइट क्लब में एक दिवसीय विशेष प्रॉपर्टी एक्सपो दुबई सो का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको मिलेगा दुबई की आलिशान प्रॉपर्टीज का मेला और इस मेले को शहरवासियों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। रोसेटा एलाइट क्लब में आयोजित दुबई सो एक्सपो में सी बिट्स रियल एस्टेट नागपुर वासियों के लिए लेकर आया है दुबई में प्रॉपर्टी लेने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपने सही सुना, सी बिट्स आपके लिए दुबई के नामचीन डेवलपर्स और बिल्डर्स को आपके शहर नागपुर में लेकर आया है, जिसमें हार्ट ऑफ यूरोप डेमेक सोबा बिनकती और टाइगर प्रॉपर्टी जैसे कई तरह की प्रॉपर्टी आप दुबई में भारत में रहकर आसानी से भरोसे के साथ खरीद सकते हैं। इसके संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की है सी बिट्स रियल एस्टेट दुबई और शिवांश बिल्डर्स के चेयरमैन रिंकू कुमार ने। मैं सी बिट्स दुबई आपके लिए लेकर आया दुबई 100, जो कि आज हम यहाँ पर नागपुर में है। ये एक सुनहरा मौका है आपका नागपुर वासियों के लिए, जिसमें कि मैं दुबई के जो टॉप डेवलपर्स हैं, जो टॉप बिल्डर्स हैं, मैं सभी को यहाँ पर आपके यहाँ पर लेकर आया हूँ नागपुर में, जिसमें कि जैसे डैमेक आता है, हार्ट ऑफ यूरोप आता है, सोबा बिनकती टाइगर प्रॉपर्टीज, ये सभी बिल्डर हैं मैं आप नागपुर में लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है यहाँ बैठे बैठे सभी बिल्डरों से डिस्कस कर सकते हैं, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे इंडिया में क्या दुबई बहुत लोग आते हैं, बहुत बिल्डर्स आते हैं, बट क्या डायरेक्ट बिल्डर्स को ही नहीं आता। मैं इंडिया में फर्स्ट टाइम है कि जो मैं डायरेक्ट बिल्डर्स को लेकर आया हूँ इंडिया में, वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं आप बिल्डर्स डायरेक्ट, जैसे कि अभी सामने अपने हार्ट ऑफ यूरोप हैं, डेमेक हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्डर्स हैं जो कि साथ में आए हुए हैं मेरे। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है डायरेक्ट बिल्डर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बीच में मीडिएटर कोई नहीं होगा उसमें। नागपुर में भी है, पहली बार है नागपुर में भी। इस समय हार्ट ऑफ यूरोप के सेल्स मैनेजर ने नागपुर वासियों से अपील की है कि अगर वो दुबई में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जरूर एक बार हार्ट ऑफ यूरोप को विजिट करें। वी आर वेलकमिंग ऑल HNI क्लाइंट्स, हम स्वागत करते हैं ऑल HNI क्लाइंट्स को, जो जो इन्वेस्टर्स दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टू द रोसेटा क्लब इन नागपुर ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ जून, एंड वी आर हियर ओनली फॉर टुडे। हम आप बस एक दिन के लिए और आपका सबका स्वागत है। इस एक्सपो को शहरवासियों द्वारा काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है, जहां शहर के कई नामचीन हस्तियों ने भी भेंट दी है और इस दुबई एक्सपो की सराहना की है, साथ ही शुभकामनाएं देकर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की है। बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार ऐसा दुबई का जो आया है, और मुझे लगता है रोसेटा क्लब ने ऐसे इवेंट बार बार करना चाहिए और यहाँ पे नागपुर के लोगों को इसका फायदा होगा, क्योंकि ये देखने के बाद में ऐसा लगता है कि अपन ने नई चीज़ कुछ देखी है, तो ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा ये होगा। मुझे एक लगता है कि इन्होंने गोवा की भी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे इंडिया में गोवा की भी प्रॉपर्टी में सावंतवाड़ी में वहाँ, तो वहाँ पे भी अगर अपने यहाँ पे इंडियन लोगों ने कर या यहाँ के लोगों ने किया तो गोवा में हरदम जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट पे भी दे सकते हैं और वहाँ पे रेंट पे भी दे के अपन भी खुद जाके ये कर सकते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ेंगी वाली है। और बहुत अच्छा प्लानिंग इनका बहुत अच्छा है और वहाँ पे लग्जरी है और सी व्यू है, ये सारी चीज़ें जो अपने को अपील करती हैं वो अपन को अच्छा लगता है। आई मीन नागपुर में ऐसे जो प्रोजेक्ट बाहर से आते हैं ये तो ठीक है, विद इन इंडिया है, विद इन इंडिया है, बट विद इन इंडिया के आते थे, अभी अब्रॉड से भी आना शुरू हुआ है। दुबई से आने के बाद में यहाँ के पब्लिक को पता तो चलेगा कि दुबई में किस तरह के घर बनते हैं, किस तरह का उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होता है, किस तरह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है और इनकम क्या होता है। अगर ये नागपुर के जो यहाँ के आम जनता और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो आज यहाँ पे आज सुबह अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसका स्टार्ट हुआ है, दिन भर में काफ़ी लोग आएंगे और इसको विजिट करेंगे तो समझेंगे कि दुबई का टेस्ट क्या है और अपना नागपुर और इंडिया का टेस्ट क्या है। और जो हिसाब से रोसेटा एलाइट क्लब ने इस प्रॉपर्टी एक्सपो के लिए जो अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि लोगों तक पहुँचे और हर एक जन आके यहाँ पर विजिट करे, तो इनके भी इनको मैं बधाई देता हूँ। इस तरह से ये हमेशा करते रहे और ये करते रहे और ये तो आज दुबई का है, आए दिनों में ये और भी जो कंट्रीज है उनको भी यहाँ पे वो ये करना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के कारण दुबई एक दशक से अधिक समय से इन्वेस्टर्स की रडार पर है। हालांकि महामारी के दौरान मार्केट में गिरावट आई, लेकिन 2022 की पहली छमाई के दौरान से सुधार के संकेत दिखाई दे रहे। हालांकि इसकी प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट भारतीयों के लिए कैसे फायदेमंद है और क्या आपको दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ऐसे में दुबई सो एक्सपो के जरिए दुबई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।